चलिए तो हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें और उनके आंसर। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अगला है रक्त कोष में मनुष्य रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखता है रखा जाता है? तो याद रखिए सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ। अगला है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए सोनार का। अगला है घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा होती है? तो याद रखिए स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला हमारा वॉरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए कृषि विज्ञान। अगला है कौन सी गैस का आवरण सूक्ष्म हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो याद रखिए ओजोन। अगला है आयरिस का क्या काम होता है? तो याद रखिए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो याद रखिए अमीटर से। अगला है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो याद रखिए वाट्सक वाटसन और किक्की। अगला है मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट का। अगला है हमारा किस जीवाणु को रसायन साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए नीले हरे शैवाल को। अगला है हमारा लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो याद रखिए फॉलिक अम्ल। अगला है कांच सीमेंट क्वार्ट्ज का उपनिष्ठ तत्व है? तो याद रखिए सिलिकॉन। अगला है हमारा पॉजिट्रॉन किसका पृथक्करण है? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन का। अगला है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। अगला है टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसकी एंटी नाकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगला है शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो याद रखिए ऑक्सीजन के अपक्षय से के कारण। अगला है एक एमयू द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो याद रखिए 931 MeV ऊर्जा। अगला है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अगला है परम शून्य ताप पर अणु गति का क्या होता है? तो याद रखिए समाप्त हो जाती है। अगला है कोणीय त्वरण का SI मात्रक होता है? तो याद रखिए रेडियम प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिए वस्तु का भार घटेगा। अगला है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिए संख्या बढ़ जाती है। अगला है हमारा बच्चों में ऑस्टियो मलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिए विटामिन डी की कमी के कारण। अगला है साबुन है तो याद रखिए वसा अम्लों के सोडियम लवण। अगला है मैथाइल एमीन का सूत्र है तो याद रखिए CH3NH2। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिए 60 से 70%। अगला है हमारा गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक सहयोग के नियम का क्या नाम है? तो याद रखिए गिल्लू साक का नियम। अगला है इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण है तो याद रखिए पॉजिट्रॉन। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है हमारा फाई मैसोन की खोज 1935 में किसने की? तो याद रखिए युकावा ने। अगला है हमारा ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए जिंक सिलिकेट। अगला है हमारा लोहे का क्यूरी ताप होता है तो याद रखिए 770 डिग्री सेल्सियस। अगला है हमारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है तो याद रखिए एक्यूमुलेटर।
अगला हमारा आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या रहता है, तो याद रखिए यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है हमारा एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का। अगला है निकोटिनामाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए विटामिन बी का। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइफाइड नामक रोग होता है, तो याद रखिए सालमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। अगला हमारा मानव फोफड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है 8। अगला है जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है, तो याद रखिए सभी वस्तुओं का। अगला है हमारा संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो याद रखिए आरोपित बल के। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो याद रखिए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अगला है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो याद रखिए अनंत। अगला हमारा इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपयोग में होता है, तो याद रखिए मधुमेह या डायबिटीज। अगला है हमारा प्राकृतिक चयन या चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए डार्विन ने। अगला है हमारा सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है, तो ये धनबाद में। अगला हमारा वीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है, तो याद रखिए लखनऊ में। अगला हमारा ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए जर्मेनियम। अगला हमारा मेनिंगो का किसीमिया बीमारी है, तो याद रखिए मस्तिष्क ज्वार। अगला है मक्के का बौना रोग होता है, तो याद रखिए स्पाई रोपलाजा द्वारा। अगला है विकास के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो याद रखिए लाल। अगला है हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी हो जाती है, तो याद रखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। अगला है हमारे अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है, तो याद रखिए त्वचा में। अगला है हमारा घूमती हुई चकती के गेंद के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है, पत्थर को फर्दी की ओर ले जाने पर उसमें घूमने की गति कम होगी। अगला हमारा ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन श्रावण करती है, तो याद रखिए थायराइड ग्रंथि। अगला हमारा मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होती है, तो याद रखिए सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगला हमारा राइनाइटिस नामक रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे, तो याद रखिए नाक। अगला है कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है, तो याद रखिए कंक्रीट क्योरिंग करना। अगला है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या प्रभाव क्रिया होगी, तो याद रखिए व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। अगला है सेल्सियम पैमाने के किस मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो याद रखिए दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर के का मान प्राप्त होगा, जैसे 72 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ने पर 72 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो मान प्राप्त के का मान निकल आएगा। अगला है हमारा अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी, तो याद रखिए ध्वनि की चाल कम होगी। अगला है हमारा अग्निशामक के रूप में उपयोग की जाने वाली कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है, तो याद रखिए CCl4। अगला है प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग की जाने वाली पाइरेक्स कांच में संघटन है, तो याद रखिए सोडियम सिलिकेट बेरियम सिलिकेट का। अगला है हमारा कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, तो याद रखिए स्लाइड एंड एवं स्वान ने 1838 में। स्लाइड एंड थे वनस्पति शास्त्री थे और स्वान थे ये
जंतु वैज्ञानिक थे। अगला है, विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, तो याद रखिए इवानोवस्की, रूस के इस वैज्ञानिक ने, वनस्पति शास्त्री थे, ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। अगला है, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो याद रखिए एंटीजन। अगला है, पीलिया रोग किस लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है, तो याद रखिए लेप्टोस्पाइरा एक्टेरो रोग मरेजी। अगले, सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, तो याद रखिए ट्रिपोनोसोमा पेनोसोमा नामक प्रोटोजुगा। यह प्रोटोजुगा सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। अगला, हमारा न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता केमरलिंग ओन्स ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी, तो याद रखिए अति चालकता की। अगला है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में फर्ड हरित की क्या भूमिका है, तो याद रखिए प्रकाश का अवशोषण। अगला है हमारा, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, तो याद रखिए आपेक्षित आर्द्रता। अगला है हमारा, गुणसूत्र क्या है, तो याद रखिए न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली छाए के समान रचना जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है। अगला हमारा, टीबिया नामक की हड्डी के संघ में पाई जाती है, तो याद रखिए टांगों में। अगला हमारा, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, तो याद रखिए 105 पास्कल के पास्कल के। अगला हमारा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो याद रखिए छाल से। अगला है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है, तो याद रखिए बैंगनी रंग का। अगला है, ध्वनि के पुनर उत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगला है हमारा, ओस्टोजेन क्या है, तो याद रखिए हार्मोन। अगला है हमारा, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है, तो याद रखिए 65। अगला है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, तो आंखों की है। अगला है हमारा, द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है, तो याद रखिए एस्ट्रोजन जन। अगला है, सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका विकिरण अधिक होता है, तो याद रखिए नीला। अगला है, लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है, तो याद रखिए काला। अगला है, विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल एवं की दिशा निर्धारित की जाती है, याद रखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। अगला है, जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे जो गैस बनती है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है हमारा, पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक कर चलता है क्योंकि स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए। अगला है हमारा, HIV पॉजिटिव क्या है, तो याद रखिए एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण। अगला है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है, तो याद रखिए पास्कल का नियम। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है, तो याद रखिए अस्थि मज्जा बोन मैरो। अगला है, महो किसका मात्रक है, तो याद रखिए चालकता का। अगला है हमारा, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो याद रखिए वेंटिक एंड वेस्ट ने। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्त संचार को नियंत्रित करता है, तो याद रखिए मेडुला ओब्लोगाटा। अगला है हमारा, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो याद रखिए बैगनी रंग का। अगला है, कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखिए एसिटिलीन। अगला है हमारा, मेंडली किस कारण प्रसिद्ध है, तो याद रखिए तथ्यों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण। अगला है, धान का वैज्ञानिक नाम है बताइए, तो याद है यह ओराई चा सेटाइवा।
अगला है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो याद रखिए रेनिन। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रखता है, तो याद रखिए मेडुला ओब्लांगेटा। अगला, टिकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो याद रखिए आंख को। अगला है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिए Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला है हमारा, आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयुक्त मिलाया जाता है, तो याद रखिए ऑप्टिक फाइबर कांच। अगला है, 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से अधिक हाथ जलता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। अगला हमारा, वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए, तो याद रखिए 60 से 65% के बीच। अगला है, 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए पोलेराइट ग्लास युक्त। अगला है, भारी जल का क्वथनांक होता है, तो याद रखिए 101.42 डिग्री सेल्सियस। अगला है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो याद रखिए अस्थमा के रोगी के लिए। अगला है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो याद रखिए CaO(CL)2। अगला है, माइट्रोसिम विक्रम के पूर्ण होने के पश्चात कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो याद रखिए 2। अगला है, श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिए 38 अणु ATP। अगला हमारा, मादा एनोफिलीज मच्छर के अमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो याद रखिए रोनाल्ड रॉस ने। अगला है, माइक्रोकोकरा पायोजींस नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है, याद रखिए फोड़ा फुंसी। अगला है, एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, तो याद रखिए वायु की गति। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एंडरसन ने 1932 में। अगला है, थायमीन कौन सा विटामिन है, तो याद रखिए विटामिन B1। अगला है, ऑक्जेमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, तो पौधों की वृद्धि। अगला है हमारा, मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है, तो याद रखिए फॉर्मिक अम्ल के कारण। अगला है, किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए एम्पियर घंटा। अगला है, किस प्रकार के विकिरण के उत्सर्जन होने से तत्वांतरण हो सकता है, तो याद रखिए अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। अगला है हमारा, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो याद रखिए 8। अगला है, किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है, तो याद रखिए कीमोथेरेपी। अगला है हमारा, जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है, तो याद रखिए काला। अगला है हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंधक का कार्य करता है भारी जल। अगला है, भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है, तो CV रमन। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो याद रखिए आते हैं। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड के कारण।